ओरे बाबा जलवा है हमारा है। तो भाई अगर आप लोग MT7 जिसको हम प्यार से बोलते हैं दो गोल्ड शॉटगन का यूज़ करते हैं उस टाइम पे अगर आप लोगों के बन टैप शॉट या फिर हेडशॉट नहीं पड़ते हैं तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी सीक्रेट ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिनका तुम अगर यूज करोगे तो आप लोगों के MT7 से नेक्स्ट लेवल के बन टैप और नेक्स्ट लेवल के हेडशॉट पड़ने वाले हैं। जितने भी लोग आज की इस वीडियो को देख रहे हो मैं तुम सभी से आज एक छोटी रिक्वेस्ट है कि मेरे कहने से आज के वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आज से पहले आप लोगों ने कभी भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर MT7 की इससे बढ़िया वीडियो नहीं देखी होगी। तो चलो गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट कम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन यहाँ पर मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले आज की इस वीडियो 200 डायमंड का गवा पे और चल रहा है। आप में से दो रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से 100-100 करके डायमंड है वो दिए जाएंगे। तो अगर आप लोग गवा पे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आज की इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पर आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। सिंपली आप लोग को इंस्टाग्राम पे जाके अपनी URL साथ एक मैसेज डाल देना है। अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूं या फिर जो कुछ भी दिखाने वाला हूं उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना कि अगर आप लोग MT7 गन का यूज करते हो उस टाइम पर अगर आप लोगों के बन टैप शॉट नहीं पड़ते हैं, आप लोगों की गन रिकॉल खाती है, आप लोगों की बॉडी शॉट बहुत ज्यादा पड़ते हैं या फिर आप लोग जब फायर करते हो उस टाइम पर आप लोगों की एमओ हवा में फायर हो जाती है, टाइम पर आप लोगों को ऐसी कौन सी ट्रिक फॉलो करनी जैसे गाइस आप लोगों के ओनली ऑन रेड नंबर ही पड़े। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाला हूँ सेंसिटिविटी के बारे में। और गाइस देखो यहाँ पर मैं जो आपको सेंसिटिविटी बताऊंगा वो आज से पहले आप लोग किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी। तो अभी हम बात करते हैं बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में बात। तो देखो अगर आप लोग अपनी सेंसिटिविटी के अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको टोटल 6 सेंसिटिविटी मिलती है, जिनमें से आप लोगों की नीचे वाली जो सेंसिटिविटी होती है उसका नाम होता है फेलुक सेंसिटिविटी। तो ये कुछ ज्यादा काम आती नहीं है, ठीक है ना, तो आप लोग के हेडशॉट मारने का काम आती है और ना ही आप लोगों की मूवमेंट स्पीड बढ़ाने का काम आती है। आप लोगों की सेंसिटिविटी के अंदर 3 सेंसिटिविटी और होती है जो की होती है आप लोगों की स्कोप सेंसिटिविटी। अब गाइस देखो अगर आप लोग MT7 गन यूज करते हो तो उसमें आपका कोई भी स्कोप नहीं होता है तो इसलिए आपको इसमें स्कोप सेंसिटिविटी कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आप लोग चाहे इनको 100 करके रखो चाहे आप लोग इनको 0 करके रखो, आप लोगों की स्कोप सेंसिटिविटी MT7 गन के अंदर वर्क नहीं करती है। तो फ्री फायर के अंदर आप लोगों की जो MT7 गन होती है उसके अंदर आपकी सिर्फ और सिर्फ 2 सेंसिटिविटी वर्क करती है। पहली तो होती है आप लोगों की जनरल सेंसिटिविटी और दूसरी होती है आप लोगों की रेड डॉट सेंसिटिविटी। अब आप लोगों को जनरल सेंसिटिविटी को कितना रखना है और रेड डॉट सेंसिटिविटी को कितना रखना है जिससे आप लोगों के ओनली ऑन रेड नंबर ही पड़े। यहाँ पर मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, जनरल सेंसिटिविटी को फाइंड करने की। एक तो है आप लोग इसे 90 कर सकते हो, दूसरी है आप लोग इसे 95 कर सकते हो। अब 90 ही क्यों करना है और 95 क्यों करना है, उससे ऊपर क्यों नहीं करना है, क्योंकि आप लोग कई कई बार फायर करते हो उस टाइम पे आप लोगों की एमओ कई कई बार हवा में फायर हो जाती है, तो वो आप लोगों की जनरल सेंसिटिविटी के कारण ही होती है, क्योंकि उस टाइम पे आप लोगों के मोबाइल की हाई सेंसिटिविटी हो जाती है। आप लोग अपनी जनरल सेंसिटिविटी को 90 या फिर 95 तक रख सकते हो। अभी हम बात करने वाले रेड डॉट सेंसिटिविटी के बारे में बात। सबसे पहले आप लोगों को अपनी जो रेड डॉट सेंसिटिविटी होती है उसको 0 रखना है। 0 रखने के बाद आप लोगों को ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाना है, वहां पर आप लोगों को 10 हेडशॉट मारने और उसके बाद आप लोग काउंट करने की आप लोगों के 10 में से कितने हेडशॉट पड़े। अगर आप लोगों के 10 में से 8 या 9 शॉट पड़ते हैं तब तो आप लोगों को इसे 0 रहने देना, लेकिन अगर आप लोगों के जैसे 6, 7, 5, 4 पड़ते हैं आप लोगों को अपनी रेड डॉट सेंसिटिविटी को थोड़ा सा बढ़ा देना, यानी 0 से 30 कर देना। देन उसके बाद आप लोगों को वापस से ट्रेन ग्राउंड के अंदर जाना है, वापस से आप लोगों को हेडशॉट मारने हैं। अब आप लोगों के जिस सेंसिटिविटी पे सबसे ज्यादा हेडशॉट पड़ते हैं वही रेड डॉट सेंसिटिविटी आप लोगों को अपने मोबाइल के अंदर रख लेनी है। आप में से कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जो कि ये चाहते हैं कि मैं ही आप लोगों को रेड डॉट सेंसिटिविटी बताऊं, आप लोग ट्रेन ग्राउंड के अंदर नहीं जाना चाहते, तो यहाँ पर आप लोगों को हमेशा एक बात याद रखनी है कि आप लोगों की जितनी जनरल सेंसिटिविटी होती है उतना ही आप लोगों को रेड डॉट सेंसिटिविटी को रखना है। जैसे अगर आप लोगों की जनरल सेंसिटिविटी 90 है तो उस टाइम पे आप लोगों को रेड डॉट सेंसिटिविटी को भी 90 पे सेट कर देना है। ये तो आप लोगों की पहली ट्रिक। अभी हम बात करते हैं सेकंड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडशॉट ट्रिक के बारे में बात। लेकिन उससे पहले मैं तुम सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि देखो एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो मेरे भाई अगर आप लोग अपनी तरफ से थोड़ा सा भी सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। देखो ना तो लाइक करने के पैसे लगते हैं ना ही सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं। नीचे साइड देखो आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा हो, सिंपली बस आपको उस पर प्रेस करना है। और अगर आप लोग वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज पे भी मेरे को फॉलो कर देना यार, हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आप लोग भी अपनी तरफ से पूरा पूरा सपोर्ट दिखा रहे हो। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक के बारे में बात। तो वो है आप लोगों के फायर रेटिंग की साइज और उसकी पोजीशन की। आप लोगों को अगर MT7 गन यूज करनी है या फिर आप लोगों को बन टैप शॉट मारने तो उस टाइम पे आप लोगों की इसकी साइज है उसे कितना रखना है और जो इसकी पोजीशन है उसे किस जगह पे सेट करना है। किसी भी गन से बन टैप शॉट या फिर हेडशॉट मारने के लिए आप लोगों के फायर रेटिंग की साइज और उसकी पोजीशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी साइज के बारे में। तो आप लोगों को हमेशा अपने फायर रेटिंग की साइज को 45 से लेकर 50 तक के बीच में रखना है। तो फायर रेटिंग की साइज के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं इसकी पोजीशन के बारे में बात कि आप लोगों को अपना फायर बटन है उसे किस जगह पर रखना है। तो मेरे देखो आप लोगों को ना तो अपना फायर बटन बिल्कुल ऊपर रखना है ना ही आप लोगों को अपना फायर बटन बिल्कुल नीचे रखना है, क्योंकि अगर आप लोग ऊपर रखोगे तो आप लोग एक परफेक्ट ड्रैग नहीं कर सकते और अगर आप लोग इसे बिल्कुल नीचे रखोगे तो उस टाइम पे भी आप लोग रोटेशन ड्रैग नहीं कर सकते। तो चलो अभी हम बात करते हैं इसकी बेस्ट पोजीशन के बारे में कि आप लोगों को अपना फायर बटन किस जगह पर रखना है। तो हमेशा आप लोगों को अपना फायर वाला जो बटन होता है उसे नीचे से थोड़ा सा ऊपर की साइड रखना है, जिससे आप लोग ऊपर की तरफ भी पूरा पूरा ड्रैग कर सको और आप लोग नीचे से भी रोटेशन ड्रैग कर सको। जितने भी
लोग आज की इस वीडियो को देख रहे हो, तुम सभी को एक छोटा सा कमेंट और करना है कि आप लोग कितनी जीबी रैम मोबाइल में खेलते हो या फिर आप लोगों के पास कौन सी कंपनी का मोबाइल है। और मेरे भाई देखो, तुम सभी से वापस से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक वाला बटन दबा देना। चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। अगर आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी और लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखी है। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।